हेलो दोस्तों दोस्तों ये जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, फल फूल पत्तियाँ, इनमें ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने कूट कूट कर औषधीय गुण भरे हैं। हमारे आयुर्वेद में बहुत ही क्षमता है, हमारे आयुर्वेद में बहुत ही ताकत है। आज से सैकड़ों साल नहीं, हज़ारों साल पहले ऋषि मुनियों ने बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही तप करके, बहुत ही अपने जीवन का एक लंबा अपना पूरा जीवन दान करके हमें इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में, इनके गुणों के बारे में बताया है। तो दोस्तों हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम इन चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे हम अपने रोगों को दूर करने में सफल हों। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह अमरूद गुआवा का जो रस होता है वो हमारे बवासीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों बवासीर एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है, अच्छे खान पान न होने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होने की वजह से, पेट की गड़बड़ी की वजह से यह रोग हो जाता है दोस्तों। और बाद में इस रोग में जब मस्से इसके बढ़ जाते हैं, जब इसके मस्से फूल जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खून भी आने लगता है और बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत ही कष्ट होता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक एक नुस्खा नहीं दोस्तों, एक बहुत ही एक एडवाइस आप समझ लो, इसे आप इसको फॉलो करोगे तो बवासीर का दर्द और बवासीर का रोग इससे ठीक होगा, आपको तुरंत आराम मिलेगा। दोस्तों अमरूद बहुत ही फायदेमंद एक फल है, इसे हाई एनर्जी फूड भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत ही ताकत होती है दोस्तों। दोस्तों अमरूद विटामिन सी का खजाना होता है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी होता है और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं दोस्तों। पोटेशियम और मैग्नीशियम इसके अंदर भरकर होता है, जो हमारे दिल मजबूत करता है और हमारे मांस को भी, हमारे मसल्स को भी यह बहुत ही ताकत देता है दोस्तों। एक बात मैं अमरूद के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक तत्व होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन नाम का यह तत्व दोस्तों कैंसर से लड़ने में बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। तो अमरूद एक बहुत ही बड़ा एक एंटी कैंसर फ्रूट है दोस्तों। अमरूद के अंदर बीटा कैरोटीन नाम का एक तत्व होता है, जो हमारे बहुत ही त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं, आपने सुना होगा दोस्तों कि कभी भी मुंह में छाले हो जाते थे या होठों पर छाले हो जाने से जब आप अमरूद की पत्तियां चबाते होंगे तो आपको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिलता होगा, उससे बेहतर घरेलू दवा मुंह के छालों के लिए अमरूद के पत्तों से बढ़कर मुझे तो अब तक नहीं मिला। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? उसके अंदर मैंने कहा बीटा कैरोटीन नाम का एक तत्व होता है, जो चर्म रोगों के लिए, जो चमड़े, जो हमारे स्किन में जो इन्फेक्शन्स और दिक्कत आते हैं उससे दूर करने में यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। अमरूद का रस घाव को भरने में भी बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है दोस्तों। कभी कभी बवासीर से जो स्टूल हार्ड होने से छिल जाता है, वहाँ पर जख्म हो जाता है, तो वहाँ पर भी अमरूद का जो रस होता है दोस्तों उसे भरने में, उसे ठीक करने में बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है आपको दोस्तों। एक बात मैं और बता दूँ, इसके अंदर फाइबर भी बहुत होता है, जो आपके कब्ज को भी दूर करता है, आपको पेट जो है साफ़ करता है दोस्तों। पाइल्स के लिए क्या करें, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों पाइल्स के लिए क्या करें। सबसे बेस्ट, आप जो भी दवा ले रहे हैं, आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप उन्हें लेते रहें, लेकिन दोस्तों ये छोटा सा नुस्खा अगर आपने ऐड किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको दोस्तों अमरूद का जूस पीना है, आप वो मार्केट से लो या फिर आप ग्राइंडर में पीस कर दो अमरूद बड़े बड़े, उसका जूस दोस्तों अगर आप दिन में एक बार पीते हो तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिन्हें भी बवासीर का रोग है, जो परेशान हैं, जो कष्ट में हैं, जो तकलीफ में हैं, मेरी इस बात को ध्यान से सुन लें, आपको अमरूद का रस आज से ही पीना स्टार्ट करना है दोस्तों। आपको एक से दो दिन में उसका असर मिलेगा, आपका जो दर्द है वो कम होगा, आपकी जो सूजन है वो कम होगी, बवासीर का जो जख्म होता है दोस्तों उसको भरने में अमरूद का रस बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी लाता रहूं और आप लोगों को किसी न किसी तरीके से आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में बताता रहूं और आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहूं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।